इट्स मी हज़ीका अली। आज मेरे साथ है तारिक नियाज़ी और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो, मुस्कुराएगा इंडिया। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इसके ऊपर जब भी रिएक्शन दिया जाए कोई मसला नहीं। इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ जो मैसेज है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लव से भरा हुआ है और हमें हिम्मत और करेज देता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ये वीडियो, देखते हैं ये, आप खामोश हो गए तो मैं कुछ बोलूँगा ना। ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो बेशक इंडिया की वीडियो है लेकिन इस वीडियो को इंसान अगर पॉजिटिव ले, क्योंकि इसका जो मैसेज है वो सब इंसानों पे जाता है, क्योंकि कोरोना जो था या दुनिया पे जो मुसीबत आई थी इस बीमारी के थ्रू वो सब पे थी। तो एक मोटिवेशनल वीडियो है, वो सब ही के लिए है। पाकिस्तान और इंडिया में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उनके हालात पर, उनके मसले मसाइल पर। तो ये वीडियो समझो एक तरह से हमारे लिए भी उतनी ही इफेक्टेबल है जितनी इंडिया वालों के लिए। और सबसे ज़्यादा ये हुआ था कि जब ऐसे हालात आए थे तो हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान था, लगता था कि दोबारा अच्छे हालात हमारे नहीं आएंगे, दोबारा खुशहाली नहीं आएगी। हर इंसान बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका था। तो इसके अंदर यही मैसेज छुपा हुआ है कि दोबारा खुशहाली आएगी, दोबारा हम खुश होंगे, दोबारा वैसे ही तरक्की करेंगे, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जो हमारी इकोनॉमी है जो बर्बाद हो चुकी है तो दोबारा हमारी मीशत दोबारा उठ जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होना, बस हिम्मत से काम लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी सफलता से मुकाबला करेगा, ये भी मैसेज दे रहे हैं, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। बिल्कुल बेशक। इस वीडियो को तभी यूनिक बनाया गया है, स्टार्टिंग में उनका मैसेज ग्राउंड शॉट्स और बहुत हालात, लोग बीमार, भूख। अक्षय कुमार, आई थिंक सारे सेलेब्स हैं इसमें। तो दबाव बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब कितने ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड। किसी जंजीरों में जकड़ गए हूँ, वो हालात ऐसे थे। बिल्कुल यूनिटी से काम लेना है, बस मुस्कुराएगा इंडिया। फेस्टिवल्स वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं, बहुत वीडियो को बहुत यूनिक बनाया गया है। जो साथ दे सारा इंडिया तो मुस्कुराएगा इंडिया। बिल्कुल। सो प्लीज सपोर्ट इट। व्यूअर्स, बहुत पुराना है ये लेकिन मैं आज समझो पहली दफ़ा मैंने देखा ये, लेकिन ये कि मुझे बेशक वो इंडिया वालों ने ही बनाया लेकिन मुझे अपना मुल्क याद आ रहा है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा ही होगा। अगर सब एक दूसरे का साथ देंगे तो मुस्कुराएगा पाकिस्तान, अगर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो मुस्कुराएगा पाकिस्तान, दोबारा से तरक्की करेगा।
और वाकई ही इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने मुसीबत के दिन गुजारे, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा। सबसे ज़्यादा वो जो आइसोलेशन थी ना, उसमें इंसान का मतलब एक गैदरिंग, एक जो होता था ना, मतलब मेल मिलाप और हर चीज़ हेल्प हो जाती थी, सपोर्ट हो जाती थी। घर में कैद रह कर इंसान लगता था आज़ाद ही नहीं है, बस एक पिंजरे में आप कैद हो और आप बाहर नहीं जा सकते, हर चीज़ में आइसोलेटेड है आपको रहना है। और आइसोलेशन की वजह से इंसान वैसे मेंटली तौर पे बहुत डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, कैसे लगता था अब तो खुशी आने वाली नहीं है, हमारी लाइफ बिल्कुल बकवास हो चुकी है। वो लोग जो के सरमायादार हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो लोग तो सरवाइव कर जाते हैं, वो लोग तो मतलब कुछ दिन, दो साल, साल, छः महीने गुजार सकते हैं। दोस्तों, उन लोगों का क्या होता होगा जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और उनकी खुशियों का क्या होगा जो लोग मतलब एक लिमिटेड अमाउंट होती है उनके पास, वही रूल चलता रहता है उनका, आता है खाते हैं, आता है खाते हैं। तो ये हालात उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आते हैं। लेकिन एक बात है कि ऑलमोस्ट वन ईयर, यानी कोविड-19 दिसंबर 19 से स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट वन ईयर यानी कि 2020 तो समझे पूरा बकवास गया इसी वजह से कि मतलब लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो जिनके पास जो मतलब सेविंग भी थी, जिनके पास जो इस तरीके के लोग थे कि बिजनेसमैन थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत था पैसा वगैरह था कि वो सर्वाइव कर जाते, तो वो भी खाली हो चुके थे, उनके भी बहुत बदतरीन हालात हो चुके थे। तो फिर आप सोचिए जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, वो कैसे सर्वाइव कर पाए, और कितने लोगों ने तो सुसाइड कर लिया इस बीच, मतलब हर चीज़ ऐसा लगता था लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि तकरीबन जो सेलिब्रिटीज़ के क्लिप्स थे वो उन्हीं के घरों में कहीं पर मोबाइलों से शूट किए गए हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से वो शूट नहीं किया गया, कहीं सेल्फीज से शूट कर रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी छत पे खड़े हुए हैं, कोई लॉन में खड़े होकर शूट कर रहे हैं। वो भी आइसोलेटेड थे, वो भी घर से बाहर नहीं जा रहे थे, शूट्स नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो लेकिन पार्टिसिपेट तो उन्होंने करना ही था। हाँ, और मेरे ख्याल में शायद उनकी सेलिब्रिटीज़ ने या उनके लोगों ने ये कंट्रीब्यूट दिया होगा, मतलब मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई एक रुपया भी चार्ज किया होगा। अगर मैं जहाँ तक अपने लोगों को जानता हूँ, अपनी सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ, वो पाकिस्तान का नगमा हो या कुछ भी हो, वो छोटी सी बात पे भी पैसे लिए बगैर नहीं आते दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई पैसे लिए होंगे अपने वतन के सॉन्ग के ऊपर, अपने मुल्क के सॉन्ग के ऊपर। अच्छा, मैंने देखा है कि वैसे तो हर मुल्क के लोगों में यानी कि बहुत ज़्यादा अपने अपने वतन को लेकर बहुत जज्बा होता है, बहुत हुब्बुल वतनी होती है, जान भी देने से दरेक नहीं करते, लेकिन मैंने इंडिया में ज़्यादा देखा है कि वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनलाइज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं अपने अपने मुल्क को लेकर। अच्छा, ये जज्बा हर किसी में होता है, होता कंट्री है, को लेकर, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ मैंने फील की है पाकिस्तान में भी, ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश में भी, और भी कंट्रीज नहीं है, वो जज्बाती हैं। और मैंने कल परसों मैंने किसी दोस्त से सुना था कि वो लोग अपने क्रिकेट को लेकर हद से ज़्यादा जज्बाती हैं, बाकायदा उनके पॉलिटिशियन क्रिकेट को लेकर सियासत करते हैं, बाकायदा क्रिकेट पे पॉलिसियां लाने की बात करते हैं, उनको उनसे वोट मिलते हैं क्रिकेट पे, वो किसी भी क्रिकेटर के घर जाके उसका घर तोड़ सकते हैं अगर वो हार गए पाकिस्तान से, तो वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब जज्बाती हैं, हम भी हैं हम बहुत ज़्यादा, जो लड़के होते हैं या जो जेंट्स होते हैं वो अब्यूसमेंट करते हैं, और दूसरा मतलब हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम इनको करना ही नहीं है, इनको सपोर्ट ही नहीं करना है, ये वो बस करते हैं, लेकिन वो भी टेम्परेरी, बाद में हम वही लव वही अफेक्शन शो कर रहे होते हैं। आपको पता है वहाँ पर कश्मीर के नाम पर भी वोट मिलते हैं उनके पॉलिटिशियंस को, क्रिकेट के नाम पर भी। हमारे यहाँ तो ठीक है, कर्ज़ उतारो और ये कर लो वो कर लो, मुल्क तरक्की कराएंगे हम, ये करेंगे, वहाँ पर पैट्रियोटिक चीज़ों को लेकर बाकायदा पॉलिटिशियन सियासत करते हैं, और उनको मतलब है कि यानी कि उनकी आवाम का इतना रुझान है क्योंकि उनकी आवाम बहुत जज्बाती है, बहुत 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 ज़्यादा जज्बाती है। अगर उनको अपनी कंट्री पे कुछ भी, मैं कहूँगी, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अपनी कंट्री को लेकर अगर वाकई उनको जान देने के लिए भी कहा जाए तो वो दे देंगे, वो इस हद तक जज्बाती। और सबको ऐसा ही होना चाहिए। जी दोस्तों, आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ से भी कोई उठे और इस तरह का पाकिस्तान को अच्छा सा एक सॉन्ग बनाए। सायर अली बग्गा का एक सॉन्ग मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो उन्होंने क्रिकेट के मैदान में गाया था, हाँ, जिस तरह से एक सॉन्ग आया था पाकिस्तान का, बहुत ही इंडिया पाकिस्तान में बहुत ही फेमस हुआ, उस पर थोड़े से इशू भी चले थे कि इंडिया से एक शख्स उठा था जिसने कहा था कि ये मेरी कॉम्पोजिशन है और मेरा गाया हुआ है, हर दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, सायर अली बग्गा, बहुत वायरल किया था, बहुत ही वायरल था, मुझे भी बहुत बहुत पसंद है वो। कोविड के ऊपर, इन हालात के ऊपर एक सॉन्ग होना चाहिए, आप क्या कहती हो? बनता है, बिल्कुल बनता है, हम बना लें आप डायरेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल, आप प्रोफेशन से वैसे भी डायरेक्टर हैं।
तो इस पे हंस क्यों रही है? ऐसी खुशी हो रही है क्या? डायरेक्टर में डायरेक्टर के बराबर में बैठी हूँ। चले दोस्तों, इससे ज़्यादा हो जाए तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप मेरे चैनल हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने बेल का आइकन प्रेस नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। कुछ सेकंड्स का काम है। प्लीज़ 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 स्टार्ट। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, आपके पैसे नहीं कटते? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। होपफुली आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। लव यू ऑल। आपको भी बोलना है लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी बोलिए।